हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शनास रसोई। आज की हमारी डिश है कैबेज दही। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कैबेज या पत्ता गोभी 300 ग्राम बारीक कटी हुई, दही 50 ग्राम, रिफाइंड ऑयल 4 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, जीरा 1/2 टीस्पून, काला सरसों यानी राई 1/4 टीस्पून और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल दे। तेल थोड़ा गर्म होने पर इसमें राई यानी सरसों डाल दे। साथ ही जीरा पीस कर डाल दे। हरी मिर्च भी डाल दे। अब यहाँ जीरा और मिर्च का रंग बदल रहा है। अब इसमें हम डालेंगे दही। हल्दी डालकर यहाँ थोड़ा पका ले। इसे बस 30 सेकंड तक पकाए और फिर नमक डाल दें। साथ ही बारीक कटी हुई पत्ता गोभी भी डाल दें और सारे मसालों को अच्छी तरह मिला लें। अब हम इसे 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे, जिससे पत्ता गोभी दही को पूरी तरह सोख ले। इससे पत्ता गोभी पूरी तरह गलती भी नहीं है और दही का जायका बना रहता है। हमने यहाँ मसालों का कम से कम इस्तेमाल किया है और दही के साथ कैबेज का अलग ही स्वाद आता है। हरे धनिया के साथ गार्निशिंग करें। इस तरह हमारी कैबेज दही रेसिपी तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।